स्पीकर आ रखा है, तो आज हम इसको करने वाले हैं रिपेयर। तो भाई देख सकते हो इसका ये जैक ख़राब हो रखा है, तो अब हम इसको जैक रिपेयर करने वाले हैं। तो हमने देख रहे हो भाई, हमने ये टूल ले लिया है, तो इसको अब हम ये वाला पुर्जा इसका अलग कर रहे हैं। देख रहे हो हमने इसका ये पुर्जा अलग कर दिया है। इसके बाद अब ये दूसरा पुर्जे की बारी है, तो इसको भी अलग कर दिया है भाई बहुत आसानी से। तो अब भाई ये जाली सी है, तो देखते हो भाई ये जाली हमें निकालनी पड़ेगी, एक कहीं अंदर से क्लिप में फंसी होती है, तो इसको भी अब हम निकाल रहे हैं नाखून की मदद से। चलो टूल ले लिया है, अब टूल से निकाल के देखते हैं निकल जाए तो। भाई ये देख रहे हो भाई, बड़ा ही मतलब आराम से करने वाला काम है ये, ज़्यादा जोरबाजी नहीं चलती इसमें। तो हमने इसको ये निकाल के अलग कर दिया है, कर रहे हैं देख रहे हो। बहुत ही सावधानी से भाई करना पड़ता है कि हाथ में भी लग जाती है जाली। तो इसको अब हमने टूल की मदद से अलग कर दिया है, देख सकते हो। अब हम इसको खोलने वाले हैं, तो हमने अब दूसरा टूल ले के अब इसके नट खोलने की बारी आ गई है भाई। तो हम इसके अब नट खोल रहे हैं, अब इसके नट खोल दिए जाए भाई जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसको हमने अब रिपेयर भी करना है, ताकि भाई आगे रिपेयर भी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सके, भाई लोगों को भी पता लगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमने इसका आस्ते आस्ते से भाई टूल की मदद से आस्ते आस्ते अब इसे खोलना शुरू कर दिया है। तो एक नट तो स्क्रू खुल गया है, अब दूसरे की बारी। तो देख रहे हो भाई, क्या ही मतलब आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो भाई ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी देख के भाई, अपना कभी ये अपना बाजा ख़राब होए तो आप भी इसको देख के अपना बाजा रिपेयर कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मैंने ये टूल की मदद से अभी देख रहे हो मैंने सारे नट खोल चुके हैं। अब मैं इसको खोलने वाला हूँ भाजा। चल भाई खुल जा, सिम 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 सिम। अरे भाई अभी भी कोई दिक्कत आ रही है के? एक नट रह गया भाई, चलो इसको भी खोल ही देते हैं यार, ऐसे नहीं खुलेगा ये। चलो भाई दूसरा भी नीचे गिर गया है। आजा भाई अब तेरी बारी है, अब तो भाई खुल जा यार। ये लो भाई, देख सकते हो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था, हमने इस बाजे को खोल दिया है। इसके सारे नट खोल के अब ये इसमें हम अपना जैक रिपेयर करेंगे, जो कि चार्ज नहीं हो रहा था। तो देख रहे हो जैक भी मैग्नेट के ऊपर चिपका हुआ है, तो भाई अंदर टूट के चिपक चुका था ये जैक। तो हम इसमें अब जुगाड़ करने वाले हैं, देसी जुगाड़ जिसे कह सकते हो। तो भाई अब हम इसमें नया जैक लगाने वाले हैं, तो जैक की जगह पे हम इसका होल कर रहे हैं जहाँ पे ये जैक लगता है। तो ये हमने आयरन पिघला के मतलब होल कर रहे हैं, ताकि हमारा जैक इस जगह पे पूरा सॉलिड बैठ जाए, क्योंकि देखो भाई जुगाड़ तो वैसा ही होगा, वो भी पक्का जुगाड़ जिसे कह सकते हैं। कि ये जैक लगाएंगे तो इसकी भाई लाइफ कम है, क्योंकि इसमें प्लेट में भाई उतने वो होता नहीं है, तो कभी अंदर बाहर करते अंदर उसकी तरफ को हो जाता है ये। तो हमने इसको आयरन से पिघला के अब इसको हम ब्लेड की मदद से कट कर देंगे, जिससे अब हम ये वाला जैक घुसा जा सके। ये ब्लेड ले लिया है भाई, अभी हमने जैक भी ले लिया है, तो देख सकते हो अब हमने ये जैक घुसा के अब सेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, ताकि इसको भाई जुगाड़ भी सेट हो जाए हमारा पक्का, जिसे कहा जा सकता है। भाई आयरन से हम पिघला के इसमें थोड़ा सा जगह बना रहे हैं, और ये ब्लेड से ऊपर का ये कट कर देते हैं, ताकि ये जैक उस जगह पे बराबर बैठ जाए। उसके बाद हम अपना ये आईपोर्ट का चार्जिंग ये वाला जैक शोल्ड कर सकते हैं इसके मदरबोर्ड में। तो हमने इसको होल करके भाई पूरा एकदम फालतू जो थे पार्ट्स उसको मतलब कट कर दिया है, जो कि इसको बैठने में दिक्कत कर रहा था, तो इसको में हमने ये कटिंग कर दी है। देख सकते हो भाई हमने ये जैक भी अब लगा दिया है, इसमें पीछे ये ग्लूगोन से बैठा करके हमारा जैक लग चुका है। तो ये ग्लूगोन लगा दी है, ताकि ये जैक हम बाहर को तरफ खींचे तो ये जैक बाहर को ना निकले। तो अब हमारा बाजा हो गया है रिपेयर। भाई आपको कैसा लगा भाई?